हेलो एवरीवन, वी आर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स। आज का नया टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो नया टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन, हम लोग पार्ट फोर पढ़ रहे हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनिंग अ रिएक्शन इन विच वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्ट कंप्लीटली स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन इज कंप्लीटली बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलकर जलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाफ मोल ऑफ O2 के साथ मिलकर कंप्लीट कंबसन दे रहा है CO2। उसका एनर्जी कितना है? -283 किलोजूल। तो सिंपल यहां पे लिख दिया हूं, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन विच स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन और कंप्लीटली बर्न्ड। तो ये कंप्लीटली वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली कोई भी चीज बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। नेक्स्ट इन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। बेंजीन दिया, ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाते हैं, 6 मोल ऑफ CO2 3 मोल्स ऑफ H2O निकलता है, एनर्जी दिया है -3267। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है? 6 मोल ऑफ CO2 3 मोल्स ऑफ H2O माइनस 1 मोल ऑफ बेंजीन -15/2 मोल्स ऑफ O2। इसको सॉल्व कीजिए क्या मिलता है? तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, डेल्टा एच नॉट गिवन द -3267 किलोजूल। तो इसका वैल्यू मैं यहां पे लिख दिया, 6 × फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज गिवन -3293.5 किलोजूल। तो यहां पे 6 × -393.5 किलोजूल, फिर कितना आएगा? प्लस फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो 3 × -285। H2O का फॉर्मेशन का वैल्यू क्या पे दिया? देखिए यहाँ पे दिया, ये यहाँ पे दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये -285.8 किलोजूल लिख दिया, माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन C6H6 हो गया, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जीरो होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज जीरो। तो ये वैल्यू में जीरो डाल दिया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मिल जाएगा, दैट इज 48.6 किलोजूल। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.13, एस्टीमेट अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2 फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ये डाटा से हम लोगों को क्या निकाला है? कंबसन ऑफ एसिटिलीन C2H2। तो मैं रिएक्शन लिख दिया हूं, कंबसन ऑफ एसिटिलीन C2H2 प्लस 5/2 O2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ H2O। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन निकालना है, तो कैसे निकालता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों का एनर्जी को ऐड करके ये दोनों का एनर्जी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी ऑफ पूरा रिएक्शन। तो 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ H2O माइनस 1 मोल ऑफ C2H2 माइनस 5/2 O2। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। तो वैल्यू डाल देंगे, 2 × एंथैल्पी ऑफ CO2 इज गिवन, दिस वन इज वैल्यू ऑफ CO2 प्लस 1 × एंथैल्पी ऑफ H2O, ये वैल्यू दिया है एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ C2H2 दिया है फॉर्मेशन ऑफ C2H2। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, और वॉट और ऑक्सीजन का जीरो होता है, तो ये सॉल्व करेगा तो आपका आ जाएगा 1300 किलोजूल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
ये कंबसन हो गया आपका। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3.15 गिवन रिएक्शन क्या है, CH2O को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब कंबसन ऑफ CH2O हो रहा है बेसिकली, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्लस H2O, तो उसका डेल्टा एच दिया है -527 किलोजूल। तो हाउ मच हीट विल बी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ CO2, अगर CO2 का वेट 30 ग्राम दिया है तो हाउ मच हीट विल बी इवॉल्व, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 527 केजी ऑफ हीट इज इवॉल्व पर मोल्स, अगर इतना एनर्जी रहता है तो एक मोल CO2 प्रोड्यूस करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास, मास गिवन है 30 ग्राम ऑफ CO2, मोलर मास CO2 का निकालेंगे, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 कितना होता है 44, तो मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 ग्राम पर मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया 0.682 मोल, तो हीट इवॉल्व कितना होगा, एक मोल में कितना एनर्जी है -527, तो 0.682 में कितना होगा 0.682 इंटू 527, तो ये आपका एनर्जी आ गया हीट इवॉल्व। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.9.4, ये आपका नया टॉपिक है बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी का मतलब ही होता है एनर्जी, तो मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है तो ये वन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड होल्ड करने में जो एनर्जी लगा है ना उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और तो कितना रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, तो ये लिख दिया हमें डिफिनेशन, enthalpy change required to break a particular covalent bond in one mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radical is called bond enthalpy, simple hai, one molecules of hydrogen gas hai isko todne mein jitna requirement hoga usko gaseous atom mein convert karenge, to hydrogen gas ya hydrogen, तो इसका एक रिलेशन मैं दे दिया हूं, रिलेशन बिटवीन बॉन्ड इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर मान लीजिए रिएक्टेंट है नीचे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको रिएक्टेंट को तोड़ेंगे तो एटम्स बनेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, फिर क्या एटम्स एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो आपका मैं रिलेशन नीचे लिख दिया हूं, ग्राफ से आप देख सकते हैं, तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 3.16, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, मीथेन में क्लोरीन डालते हैं तो मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl मिलता है, तो सबका बॉन्ड दे दिया हूं CH बॉन्ड CCl CCl HCl, सबका एनर्जी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, CH बॉन्ड का एनर्जी इतना है, CCl बॉन्ड का एनर्जी दिस मच है, इसका एनर्जी इतना है, इसका एनर्जी इतना है, तो इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, इंथैल्पी ऑफ सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, तो रिएक्टेंट साइड में CH बॉन्ड कितना होगा 4, मीथेन में 4 बॉन्ड होगा, CCl बॉन्ड कितना 1, तो इस ये दोनों का सम माइनस ये दोनों सम माइनस 3 ऑफ HCl HCH एंड माइनस ऑफ CCl माइनस ऑफ HCl, ये इसमें जितने बॉन्ड है उसको माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या मिलता है बताइए, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 4CH माइनस 3CH तो क्या मिलेगा 1CH, बाकी का वैसे ही लिख रहा है Cl माइनस CCl माइनस HCl, तो 1 इंटू 414 वैल्यू दिया CH बॉन्ड का एनर्जी 414 तो डाल दिया,
वन इंटू 243 सीसीएल का माइनस वन इंटू 330 माइनस वन इंटू 431 तो ये क्या मिलेगा 414। ये आप सॉल्व करोगे तो 104 किलो जूल मिल जाएगा आपको डेल्टा एच। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट्स एनएन बॉन्ड एंथैल्पी इन रिएक्शन N2 H4 प्लस H2 प्रोड्यूस एमोनिया। तो डेल्टा एच इसका दे दिया माइनस 184 किलो जूल। तो NH बॉन्ड का एनर्जी दिया हुआ है, HH बॉन्ड का दिया हुआ है, तो निकालना किसका है NN बॉन्ड का। तो कैसे करेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। तो आप सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम नंबर 3.17 क्या मिलता है। तो आगे का पॉइंट्स लिखता हूं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा, फोर बॉन्ड्स ऑफ एनएच, फोर बॉन्ड्स ऑफ एनएच है 1 2 3 4। तो फोर बॉन्ड्स ऑफ एनएच प्लस एनएन बॉन्ड कितना है 1, तो ये दोनों का एडिशन प्लस एच एच बॉन्ड का एडिशन माइनस 6 एनएच बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये दो मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, तो माइनस 6 NH बॉन्ड आएगा। तो अभी क्या आएगा, 4 NH बॉन्ड में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो आपको ये 2 आ गया। तो ये क्या करेंगे, NN बॉन्ड प्लस HH बॉन्ड माइनस 2 डेल्टा H ऑफ NH बॉन्ड। तो ये वैल्यू दिया हुआ है एनर्जी का, बॉन्ड के बीच का एनर्जी का, NN बॉन्ड का एनर्जी का निकालना है, तो हम लोग कर लेते हैं। NN बॉन्ड का एनर्जी को मैं इधर ले लेता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बाकी को राइट हैंड साइड। तो क्या मिलता है, इसको मैं इधर ही रखता हूं, बाकी को लेफ्ट ले लेता हूं, इसको इधर ही रखो, बाकी को लेफ्ट ले लो। तो क्या मिलेगा, डेल्टा एच NN इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू डाल देंगे। डेल्टा एच नोट पता है मुझे कितना है, गिवन है माइनस 184 प्लस 2 × NH बॉन्ड प्लस माइनस 435। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये NN बॉन्ड का एनर्जी आ गया कितना 159 किलो जूल पर मोल।